नमस्कार, स्वागत है आप सबका खबर 7C न्यूज चैनल से। मैं हूँ अमीषा पटेल। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। कहते हैं ना, अपने लिए जिए तो क्या जिए, कभी अपनी खुशियाँ उनके साथ मनाइए जिन्हें वाकई में इनकी जरूरत है। आज बड़ा ही सुंदर दृश्य मुस्कुराता बचपन घसियापुर की क्लास में देखने को मिला, जहां अपनी नई कार लेकर सपरिवार पहुंचे समाज सेवी संदीप मित्तल। आपको बता दें कि मुस्कुराता बचपन एक ऐसी मुहिम है जिसमें गरीब बच्चों को समाज सेवी दीपक श्रीवास्तव अपने सहयोगियों के साथ शाम को पढ़ाते हैं। आज जब इन बच्चों के बीच समाज सेवी संदीप मित्तल अपनी नई चमचमाती कार से पहुंचे और पूछा कि जो बच्चे आज तक किसी भी कार में नहीं बैठे वो आगे आए, तो क्लास में 18 बच्चे ऐसे थे जो पहली बार कार पर बैठने वाले थे। समाज सेवी संदीप मित्तल एवं उनकी पत्नी समाज सेविका अंशिका मित्तल ने उन सभी बच्चों को कार पर न केवल बैठाकर घुमाया बल्कि उनकी पसंद के गीत चलाकर उनको दीपावली की खुशियां देने का प्रयास किया। दीपावली के अवसर पर समाज सेवी दंपति ने सभी बच्चों को चॉकलेट एवं केक वितरण किया। कल हम लोगों ने धनतेरस के अवसर पर नई कार खरीदी थी, तो ये मन में संकल्प आया कि पहले इस कार पर उन बच्चों को घुमाएंगे जो आज तक कभी मतलब कार पे नहीं बैठे हैं। अगर उनकी खुशी जब वो उस खुशी को प्राप्त कर लेंगे तो उसके बाद जो मज़ा आएगा वो मज़ा ही दूसरा होता है। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस मुस्कुराता बचपन के कार्यक्रम में आया हूँ और यहाँ बच्चों के बीच में दीपावली को सेलिब्रेट किया। और करीब 18 ऐसे बच्चे थे जो आज तक कभी कार पर नहीं बैठे थे, तो पहली बार हम लोग के साथ कार पर घूमे और जो रास्ते में उनकी फरमाइश थी कि अंकल प्रेम रतन धन पायो गीत चलाइए, या इस तरीके से अंकल जरा शीशा खोल दीजिए, अंकल जरा AC तेज कर दीजिए, तो सुन के जो मज़ा आ रहा था उसका कोई शब्द नहीं है। वास्तव में सच्ची सेवा यही है कि जो बच्चे कभी नहीं बैठे उनको बैठा करके मुझे लगता है कि मेरा गाड़ी खरीदना आसान है। प्रेरणा मन में आई, लगातार समाज सेवा चलती रहती है। मैं पहले भी मुस्कुराता बचपन के कार्यक्रम में जुड़ा रहा हूँ और मुस्कुराता बचपन में मैं आता हूँ, तो यहाँ पे आकर के अचानक दिमाग में आया कि लाओ उन बच्चों को जो है घुमाते हैं जो पहले कभी जो है कार में।